अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुज़ लाइफस्टाइल से। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी बेटे की बर्थडे। वो 6 ईयर का हो गया है। इसी खुशी में हमने छोटी सी पार्टी रखी थी। हम लोगों ने कहा कि घर में नहीं करेंगे बर्थडे, तो हम बीच पे चलते हैं, बीच पे जाके अच्छी सी सेलिब्रेशन करते हैं। कोविड भी ख़त्म हो गया, उसकी भी पाबंदियां हट गई, तो हम लोगों ने वहां जाके बारबेक्यू किया। अब हम आए हैं बेस्ट बाय। उसे आईपैड की ज़रूरत थी, तो हमने कहा उसके लिए हम गिफ्ट ले लेते हैं आईपैड। हमने 1 मंथ पहले ही ऑर्डर कर दिया था आईपैड। स्टे एट होम ऑर्डर नहीं थे, तो हमने इसलिए पहले ही ले लिए। ऑर्डर हम लोगों ने कर दिया आईपैड, लेकिन इनके पास स्टॉक में नहीं था, तो डिलीवरी खुद ब खुद घर वो कह रहे हम लोग कर देंगे। तो अब हम वापस जा रहे हैं। हम लोगों ने कुछ टॉयज़ आर अस से बेटे के लिए स्कूटी खरीदी गिफ्ट देने के लिए उसको बर्थडे का। फिर हम लोग बैलून के लिए चले गए। हमें चाहिए थे हीलियम बैलून, उसका हमने ऑर्डर करना था क्योंकि वो उसी टाइम नहीं करके देते, उसमें 1 वीक का टाइम लगता है। फिर हम लोग डॉलर स्टोर चले गए जो हमारे घर के पास था। फिर हमने वहाँ पे कुछ ऑर्डर किया, कुछ हमने बर्थडे थीम के लिए पार्टी सिटी से कुछ ऑर्डर किए ऑनलाइन, तो वो हम लोग लेने के लिए चले गए। मेरे बेटे को बेबी योडा बहुत पसंद है, तो मैंने सारी थीम बेबी योडा की ही रखी। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी हम लोग बेबी योडा बना रहे हैं फॉन्डेंट के साथ। इसको हमने बनाया, फिर 1 दिन के लिए ड्राई किया। जब ये सख्त हो गया, फिर अगले दिन हम लोगों ने केक बनाना स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लोग स्टार काट रहे हैं, जो कि हमने केक के ऊपर डेकोरेशन करनी है। ये भी हम लोगों ने फॉन्डेंट से ही बनाए हैं। अभी हम लोगों ने बटर बीट किया, उसमें शुगर डाली, 2 से 3 टेबलस्पून हमने वनीला एसेंस इस्तेमाल किया, 1/4 टीस्पून हमने नमक डाला और थोड़ी सी आइसिंग हमने साइड पे कर ली, उसमें हमने ग्रीन कलर मिक्स कर लिया। अब फिर हमने उसमें पाइपिंग बैग में आइसिंग डाल दी। हमने कुछ रेड वेलवेट मफन बनाए, उस पे आइसिंग की ग्रीन कलर की। यहाँ पे हमने फॉन्डेंट के साथ बेबी योडा के ईयर बनाए और मफन में लगा दिए। हमने कुछ केक पॉप्स बनाए, उसके लिए हमने चॉकलेट केक लिया और वनीला केक लिया, जो नॉर्मल हम लोग हर वक्त आपके साथ बहुत बार वीडियो शेयर किए हैं हम लोगों ने, तो वही सेम केक बनाया और उसके क्रम्स बना लिए।
फिर जो आइसिंग हमने बनाई थी बटर और शुगर के साथ, वो थोड़ी थोड़ी हमने इसमें मिक्स कर दी। यहाँ पे हमने 28 ग्राम का एक केक पॉप बनाया। यहाँ पे मैंने ली वाइट चॉकलेट, उसे माइक्रोवेव में रख के हम लोगों ने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया। फिर पॉप स्टिक ली, वो हमने चॉकलेट के अंदर डिप की और चॉकलेट पॉप के अंदर हम लोगों ने डाल दी। फिर हमने कोटिंग कर ली चॉकलेट की और हमने ग्रीन शुगर इस्तेमाल किए। केक पॉप हमारी तैयार है। ये बहुत मज़े की बनी थी, बहुत इजी थी, बहुत जल्दी बन गई थी। अब हम लोग केक स्टार्ट करने लगे हैं बेबी योडा का। हम लोगों ने थोड़ी सी क्रीम लगाई है बोर्ड पे, फिर हम लोगों ने ऊपर जो आइसिंग बनाई थी बटर और शुगर की, वो थोड़ी सी डालेंगे। ये हम लोग स्प्रेड कर देंगे। फिर इसके बाद हमने मिडल में वनीला कस्टर्ड डाला, उसे हमने थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया। उसके बाद हमने कुछ फ्रूट्स लिए थे, स्ट्रॉबेरी, आप कोई भी फ्रूट अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। हम लोगों ने स्ट्रॉबेरी ली और फिर हमने सेकंड लेयर रख दी। उसके बाद सेम यही प्रोसेस हमने अगेन किया और लास्ट में हम लोगों ने इस पे आइसिंग कर दी और केक को कवर कर दिया। सेम आइसिंग में हमने थोड़ा सा ग्रे कलर मिक्स कर दिया था डिज़ाइन के लिए। यहाँ पे हमने चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट किया और डिप स्टार्ट कर दिया। अब हम स्टार के साथ केक को डेकोरेट कर लेंगे जो हमने फॉन्डेंट के साथ बनाए थे, और बॉर्डर बना लेंगे सेम आइसिंग के साथ जो हमने टॉप पे लगाई है। अब हम लोग कूलर में बर्फ़ ड्रिंक्स वगैरह डाल रहे हैं बीच पे जाने के लिए, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी। अभी हम लोगों ने बारबेक्यू स्टार्ट कर लिया है। हमने मटन सीख कबाब, चिकन सीख कबाब, मटन टिक्के, चिकन टिक्के बनाए, बहुत मज़े के बने।
सीख कबाब बहुत मज़े के बने थे। मैं आपके साथ दोबारा इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आपने मेरे चैनल पे देखनी हुई, आप लोग मेरे सीख कबाब की रेसिपी देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगे थे। ऐसे सीख कबाब आपने कभी नहीं खाए होंगे, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। यहाँ पे मेरा बेटा गिफ्ट के लिए बहुत एक्साइटेड था, बहुत खुश था गिफ्ट पे। हमने उसे टॉयज़ आर अस से ये स्कूटी लेकर दी बेबी योडा की, और बाकी सब ने पैसे वगैरह दिए, क्योंकि कोविड की वजह से शॉप्स भी बंद थी, किसी को समझ भी नहीं था आ रहा, इसीलिए सब ने पैसे ही इसको दिए। अभी घर की तरफ वापसी। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा।